इश्क अभी बाकी है? हाँ, है ना इश्क बाकी। मैं आपकी साथी सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ आज की सुरीली बोलियां कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है ये सब अंदाजा लगाते रहिए, पर कार्यक्रम के शुरुआत में ही हम आपको बता देते हैं कि आज जो लाइव ये आवाज सुन रहे हैं अपनी साथी सरिता का ना, आज के बाद आप किसी भी सोलो प्रोग्राम में अब लाइव आवाज नहीं सुन पाएंगे। आप तो नहीं सुन पाएंगे तो क्या कहती है सरिता आपकी दोस्त? किसी और की कही हुई बात है पर ये मेरे दिल को लग गई, तो हमने कहा अपने दिल से अपने आप से जोड़ के ये बात आपसे कह देते हैं। जब मैं नहीं रहूंगी ना तो आप सब मेरे दोस्तों से मिलने आएंगे जो मुझे पता नहीं चलेगा, तो अभी आ जाओ ना मुझसे मिलने। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब आप मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे, तो आज ही माफ कर दो ना। जब मैं चली जाऊंगी नहीं रहूंगी यहां तब आपको मेरी कद्र होगी, आप मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे जो मैं सुनी नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों आज ही कह दो ना, जब मैं नहीं रहूंगी तो आपको एहसास होगा ओह इसके साथ थोड़ा वक्त और बिताते तो अच्छा होता, तो वक्त बिताने आज ही आ जाओ ना। इंतजार करने में कभी कभी देर हो जाती है, मिलते रहो, माफ कर दो या माफी मांग लो उन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जी कर चली गई यही दिल कहेगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है? ख्वाहिशों से कहानी शुरू होती है और ये कहानी भी एक ख्वाहिश से ही शुरू हुई थी। कब? तब जब इस कहानी के किरदार आप सभी थे। मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना, आंखें मलते मलते। दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। दिल की तमन्ना, गाते कदम चलते नजारे चलते जो हम, हस्ती जमीन गाते कदम चलते नजारे चलते जो हम, रुकते हम तो रुक रुक जाता, ढलता सूरज
तमन्नाओं का ही क्या करें, तमन्नाएं तो हैं अनंत, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन जब एक कहानी की शुरुआत होती है ना, जब पहला शब्द एक पन्ने पे लिखा जाता है, तो उसके बाद हम किरदार ढूंढने लगते हैं कि इस कहानी में कितने पात्र होंगे, कितने किरदार होंगे। जो हमारी कहानी लिखनी शुरू हुई 98 दिसंबर से, उसमें बहुत सारे किरदार आए, कुछ खासम खास, कुछ खास और कोई नहीं था आम। सब मेरी ज़िंदगी में मेरे पात्र जो कहानी में थे वो सब खासम खास थे। एक खासम खास हमारे पात्र थे विपिन मित्तल जी, सुभाषिनी छाबड़ा, विजय लक्ष्मी जी, कमर सेन जी, ये सारे लोग थे। जब मैं यहाँ आई, इस कहानी की शुरुआत मैंने की, ये इन सब ने मिलके मेरे हाथ में कलम थमा दिया और कहा बस शुरू हो जा सरिता। लेकिन इन सारे किरदारों में आप सबकी भी पात्रता थी, आप सब भी किरदार थे। भले ही मंच के उस तरफ थे, पर अगर आपने ताली नहीं बजाई होती तो ये कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। अब विपिन जी आए मुझसे मिलने, आशीर्वाद देने, 2-3 दिन पहले सारे लोग आए, तो विपिन जी ने अपने अंदाज में एक शेर सुनाया। कहने लगे कि अब हिचकियां आएंगी तो पानी पी लेंगे, ये वहम तो छोड़ना ही होगा ना कि कोई मुझे याद कर रहा होगा। विपिन जी याद कर रहे हैं। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, मेरे बारे में बड़े सोचा होगा, उसने जब सुबह को जिसने सजाई हंसी हो तो पर, सुबह को जिसने सजाई हंसी हो तो पर, रात भर किसी गम ने सताया होगा, रात भर उसको किसी गम ने सताया होगा, उसने जब करके बाद भी अगर आप नहीं आए, करके बाद भी अगर आप नहीं आए, नाम बदना जमाने में
वफा का होगा नाम बदना जमाने में वफा का होगा उसने जब दोस्तों कहानी का एक पात्र कहानी के एक दूसरे पात्र को इतनी अहमियत दे दे जिंदगी में तो क्या कहने। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना, रस आने लग जाता है उस कहानी को पढ़ने में। और जब कहते हैं ना कि जुबान को रस लग जाए तो उसकी लत लग जाती है, और लत दुनिया की सबसे पुरानी लत है। मोहब्बत, प्रेम, पैगाम, इकरारे मोहब्बत, इसरारे मोहब्बत, ये सारी जो है ना एक कहानी के पात्र एक दूसरे के साथ निभाते चले जाते हैं। वादा लेते हैं पर वादा तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि वादा जहां लिया जाता है वहां वादे टूटते भी हैं, पर इस कहानी के जो पात्र है ना उन्होंने कभी भी अपना वादा न तोड़ा न छोड़ा, साथ साथ चलते रहे। दुनिया ने कुछ भी कहा उनका उस पे कुछ असर नहीं हुआ। बस एक पात्र ने दूसरे पात्र से सिर्फ इतनी सी बात कही कि तुम थक तो नहीं जाओगे इंतजार में तब तक, तुम थक तो नहीं जाओगे इंतजार में तब, मैं मांग के आऊं खुदा से तुमको जब तक।
कई बातों बातों में ही अफसाने बने और वो अफसाना ऐसा बना कि सबके दिल में घर कर गया। ये कहानी जुबा जुबा पे लोगों के आ गई। हर कोई कहानी कहता, हर कोई अलग अलग किरदार के बारे में एक दूसरे को बताता। इस कहानी का ये किरदार ज्यादा अच्छा है, इस कहानी का ये वाला किरदार ज्यादा अच्छा है। पर जो कहानी के नायक और नायिका थे उनके लिए कौन सा वाला किरदार अच्छा था? वो जो साक्षी था उस कहानी को लिखने का, कहानी लिखनी जब शुरू हुई तो आप सब, आप जो वहां बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आप वहां मुस्कुरा रहे हैं और आप सब ने मिलके इतनी ताली बजाई, इतनी वाहवाही कही कि उस किरदार की जोड़ी को आप लोगों ने अमर कर दिया। आप सब के बगैर उस कहानी की पात्रता शीर्ष पर जाती ये संभव ही नहीं था। अब आप सब में मैं कितने एक दूसरे लोगों का नाम लूं? मेरा पिजन होल जो है ना, जो अलमारी अभी तक मिली है, जिसे मैं आज खाली करके जाऊंगी, उसमें आज भी आप सबकी चिट्ठियां भरी पड़ी हुई हैं। प्रेम से भरी चिट्ठी भी, कितनों की नाराजगी वाली चिट्ठी भी, और कितनों का वो प्यार, वो दर्द जो गेट पे आए और उस पात्र को मिलने के लिए बेचैन रहे। कहाँ कहाँ उन्होंने जुगाड़ नहीं किया कि ऐसे जुगाड़ हो जाए कि उस कहानी के एक पात्र को हम देख लें और देख करके उसे महसूस कर सके, जिसकी आवाज हमारे दिल तक आती है। और आपके दिल तक वो आवाज क्यों जाती थी? क्योंकि आपका दिल भी उस किरदार के लिए, उस पात्र के लिए धड़कता रहा। अब जब वो पात्र, वो कहानी का एक अहम हिस्सा आज उस कहानी से निकलने वाला है, तो भी आप सबके अंदर एक मचलन है, एक दर्द है, और उसके तहत आप सब ने बहुत सारे ईमेल भेजे हैं। मैं अगर पढ़ पाई तो ज़रूर, पर एक किसी को मैं कैसे उसमें से निकाल के बताऊं? बड़ी अजीब सी बात होती है ना कि सब कहते हैं कि आपका पसंदीदा कौन है। सब मेरे पसंदीदा हैं, फिर कहते हैं अच्छा उसमें से एक का अगर नाम लेने दिया जाए तो कैसे ये किसी का नाम ले सकते हैं? किसी माँ से अगर ये पूछा जाए कि आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसमें आप ये बता दीजिए कि उसमें सबसे ज्यादा प्यार आप किस बच्चे को करती हैं, तो कैसे माँ ये कह सकती है? नहीं ना। इसी तरह से उस किरदार का, उस पात्र का आप सबसे जो रिश्ता है ना, वो अहम है। आप अपने लिए अपने दिल से जोड़ के देखिए, आप अपने दिल से जोड़ के देखिए, क्या आपका दिल उस अहम किरदार से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो ज़रूर आप सब की तरह से, आप सब की तरफ से उस पात्र के लिए ये डेडिकेशन। Oh,
जीवन भर का साथ है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना। तेरा जिद पर आएगा, दिल का कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना। अब कहानी के पात्र ना फिल्मी पर्दे पर आ गए थे, पात्रता उनकी ढल गई थी, लोग उस पात्रों को पसंद करने लगे थे, उन किरदारों को पसंद करने लगे, उन्हें देखना चाहते थे, उन्हें मिलना चाहते थे, उन्हें छूना चाहते थे। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन जैसे फिल्म में मध्यांतर है ना, उसी तरीके से उस कहानी में भी एक मध्यांतर आया और उस मध्यांतर में थोड़ा रुकना पड़ा। कैसे? ऐसे रुकना पड़ा। सुनहरा बदन हल्दी चंदन, मैं हूं नीमा सैंडलगर्ल, नीमा सैंडलगर्ल 21st century girl, मेरा है ये सारा वर्ल्ड। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा, और सिर्फ ब्याह नहीं ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है ये। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 MHz। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। बोलिए सुरीली बोलियां, सुरीली बोलियां में आज आपके साथ ही सरिता। एक कहानी आपकी मेरी उनकी उनकी सबकी जिंदगानी, और उस जिंदगानी में बहुत उतार चढ़ाव मोड़ पड़ाव सब आते हैं। पात्र जो है कभी कभी किसी को बहुत अच्छे भा जाते हैं और कोई कोई पात्र किसी के नज़र से उतर जाते हैं, पर ये वाली जो कहानी थी ना उसके हर एक पात्र को हर एक किरदार को पढ़ने वाले ने पाठक ने ना बहुत पसंद किया। बहुत कहानी में जब मोड़ आता है तो इंसान को लगता है कि चलो जाने देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देते हैं, और पाठक जो है उससे कहते हैं कि इस रिक्त स्थान को आप भर दो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। आखिर में सबको जाने देने का नाम ही जिंदगी है। पर पता है साथियों,
तकलीफ कब होती है? जब आपको अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिलता है। इस कहानी में कुछ ऐसे पात्र भी थे जिन्हें अलविदा कहने का मौका नहीं मिला, पर वो चुपके से अलविदा कह गए। लेकिन जीवंतता जिस कहानी के पात्रों में थी ना, वो हमेशा हमेशा आप सबके साथ बने रहे, भले ही आपके दिल में हो। पर अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो उसे पहुंचाने का, उस किरदार के साथ जोड़ देने का हक, अधिकार सब आपको है। अब आप चाहें तो कुछ और कह लें और चाहें तो ये भी कह सकते हैं। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे दाग है भूल खिले तो यूं लगे, भूल नहीं ये दाग है, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग है, आग लगा तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे में छुप गया सारा जहां उदास है, चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कने तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटे। अब तो उस पात्र को मौका भी मिल गया कि वो भी अपने दिल की बात कह दे। हाय बुद्धू। अब एक पात्र दूसरे पात्र को कहता है हंसते मुस्कुराते, बुद्धू हो क्या? दोस्ती मौसम नहीं है जो अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती सावन भी नहीं है कि टूट के बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं है कि सुलगे भड़के और राख हो जाए। दोस्ती आफताब नहीं जो चमके और डूब जाए। दोस्ती फूल नहीं जो खिले और मुरझा जाए। अरे भाई, दोस्ती तो सांस है जो चले तो सब कुछ रुक जाए, और रुक जाए तो कुछ भी ना हो। मुझसे दूर चले जाना ना, मैं तुमसे दूर चले चली जाऊंगी।
अब इस कहानी के पात्रों के जिंदगी में कुछ दर्द भी है, कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कान है। कहानी इंटरवल के बाद ना बदल जाती है, जैसे हम सब की जिंदगी एक पड़ाव के बाद बदल जाती है। अगर चौराहा आता है तो हम वहां से मुड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अब आपसे मुस्कुराइए, क्योंकि आप मुस्कुराहट के शहर में हैं, और वो शहर है स्टूडियो नंबर 15, जहां आपके साथी है सरिता, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। कितना अच्छा होता है ना। किसने किसने अपनी जिंदगी में इस बात को अपनाया है कि आंखों में आंसू है और चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की सब बात करते हैं। बात तो करते हैं, पर कितने पात्र हैं जो आंखों में आंसू भर के भी चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं। चलिए, इस कहानी का एक पात्र आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है। आज जितने ईमेल आए हैं मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला ईमेल आया है अनिल कुमार वस जी का, और इन्होंने अपने दिल की बात कही है। मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ लोगों का जो हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा जी हैं, वो कहती हैं सुबह सुबह से मेरा दिल दुखा हुआ है, आपकी बहुत याद आ रही है। इन्होंने डीएम भी किया था मुझे। रामेश्वर दास राजौरा जी हैं, कहते हैं कि आपकी याद आ रही है और कार्यक्रम के बारे में ही सारे हमारे साथी ज़्यादा लिखते हैं। इसमें बहुत सारे पुराने हैं, कहानी जब शुरू हुई थी तब के पात्र हैं, और कुछ दूसरी ये पारी में जब कहानी शुरू हुई तब के पात्र हैं। अनिल कुमार वत्स जी हैं, अर्चना शर्मा जी ने, हर्ष चौधरी जी हैं, और वलीउल्लाह अंसारी हैं, कोमल पंडित जी हैं, और ये हमारे साथी हैं वसीम अकरम गुड़िया खातून और माहिरा खातून हैं इसमें, और सबने नमस्ते भेजा है और सबको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है यही लिख करके भेजते हैं। नसीमुल इस्लाम गुनौरी है, मोहम्मद अली अंसारी और दानिश इदरीसी हैं प्रेम नगर लोनी से, और भानु दलाल जी हैं, भानु प्रताप जी मांडौली हरियाणा से, इन्होंने भी कार्यक्रम की तारीफ की है। मोहम्मद अब्बासी जी हैं, और ये हैं प्रवीण जी, इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा। वैसे थोड़ी सी पात्रता आप लोगों की भी बदलनी चाहिए, आप सबसे गुजारिश होगी, क्योंकि जब भी ये ईमेल हम खोलते हैं तो ईमेल में हमेशा तकरीबन जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना, उन सारे कार्यक्रमों में एक ही लाइन एक ही बात लिखी होती है। जिसने लिखना शुरू किया कि मैं रास्ते में सुनता हूँ और मेरे साथ ये है, वो उनका वही आ रहा है। मतलब कि थोड़ी सी पात्रता बदल दिया करें तो अच्छा लगता है। हमें भी पढ़ने में हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाकई आप सुबह वाला प्रोग्राम सुन रहे हैं, दोपहर वाला सुन रहे हैं या शाम वाला, तो और अच्छा होगा। गाजियाबाद से ये प्रवीण शर्मा जी हैं, इन्हें भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आदर इन्होंने भेजा है। टोनी सिंह जी हैं, की हाल चाल है तोड़ा टोनी सिंह जी, आज रेडियो ऑन करते ही मेहदी हसन साहब, वाह क्या बात है, वो आपकी भी पसंद है। हाँ जी हाँ जी, पसंद है, मेरी जिंदगी की शुरुआत, मेरी कहानी की शुरुआत। और जो आज के कहानी का किरदार था ना, उसमें एक किरदार ने वही कहानी वहीं से उसी गजल से शुरू की थी, तो इसलिए वो तो आना जरूरी था। राजेश कुमार जी हैं, अनिल कुमार वत्स जी हैं, मुकेश कुमार शर्मा है, वीना अरोड़ा जी हैं, कमल अरोड़ा जी हैं, एसपी गोयल जी हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं, सलीम अख्तर हैं, शमशूल जहां कमर हैं, संजय शर्मा, वीरेंद्र भूटानी जी हैं, और दिवाकर शणोय हैं, मनोहर लाल गांधी जी। कहते हैं दोस्ती कभी हार नहीं मानती, पुरानी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, बेशक हम हों या ना हों, हमारी पहचान सदा लोगों के दिलों में रहेगी। आप कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, साथ साथ सदा रहेंगे। संगीत प्रेमी तो बल्ले होते हैं, हमेशा चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट बनी रहती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी। इन सारी बातों में सारे दोस्तों को पढ़ने, अमीना तकान जी ने भी कार्यक्रम की तारीफ की है, जो कहानी मैं सुना रही हूँ उसमें सबकी पात्रता है। मजनू का टीला से मैं हमेशा पढ़ती थी, और जब मैं पुरानी चिट्ठियाँ निकाल करके आज अपने अलमारी से देख रही थी सुबह सुबह, तो उसमें मजनू का टीला के हमारे साथ ही जब उनका नाम आया, जिंदा दिल हमारे हर अजीज, तो थोड़ी सी आंखें नम हुई थी। वो जो हमारे साथी जो पर्दे के उस तरफ थे, बैठे हुए थे दर्शक दीर्घा में, और वहां से वो तालियां बजाते थे ना, उन्हीं लोगों ने, मतलब कि आप सब लोगों ने इस कहानी को फिल्म में तब्दील किया, और उसके बाद इसकी पात्रता इतनी ज्यादा बढ़ाई। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो मुकम्मल शीर्ष पे, उस मंजिल पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने तो अपने दिल की बात कह दी,
कहते हैं ना कि जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है, तो आप भी समझ लीजिए और आपके दिल की बात बस कह देते हैं। परछाइयां रह जाएंगे, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयां रह जाएंगे, कुछ न कुछ हुस्न की। तुमके इस झील के साहिल पे मिली हो मुझसे, जब भी देखूंगा यही मुझको नजर आओगी। याद मिटती है न मंजर, कोई मिट सकता है, दूर जाकर भी तुम अपने को यही पाओगे। तुम चली जाओगी, परछाइयां रह जाएंगे, कुछ न कुछ हुस्न की। घुल के रह जाएगी झोंकों में बदन की खुशबू, जुल्फ का अक्स घटाओं में रहेगा सदियों। फूल चुप कैसे चुरा लेंगे लबों की सुर्खी, ये जवां हुस्न फजाओं में रहेगा सदियों। तुम चली जाओगी, परछाइयां रह जाएंगी। जी हाँ, तुम चली जाओगी, परछाइयां रह जाएंगी, ऐसी ही बात लिख करके भेजा है और बहुत इन्होंने रिक्वेस्ट किया। मोहम्मद सईद अब्बासी जी हैं मोहल्ला चौघंटी बुलंदशहर से, कहते हैं सरिता जी सादर प्रणाम, हमारा मेल जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ रहे हैं। आपने कल हमारा दिल इतना दुखा दिया ये कहकर के कि आखिरी प्रोग्राम है, और ये कहकर आज हमारे दिल को खुश कर दिया अपनी आवाज़ सुनाकर। हम तो बिल्कुल उदास बैठे थे, सुबह से अचानक मैंने विविध भारती लगाया तो देखा कि वही आवाज़ कानों में गई। आपने सभी दोस्तों को बताया कि अरे सरिता जी बोल रही हैं, तो सभी ने जल्दी से लपक लपक कर अपने अपने मोबाइल को उठाया और अपने रेडियो को चालू किया अपने अपने मोबाइल पर। ये देखकर हमारी दीवानगी को किस कदर है, आपके लिए शुक्रिया दोबारा आवाज़ को लेकर आने के लिए, दोबारा आवाज़ को लेकर के आने के लिए। कल सिनेमाघर फिल्म का आखिरी दिन था, आखिरी आवाज़ थी उस प्रोग्राम में, और आज सुरीली बोलियां कार्यक्रम मेरी आखिरी आवाज़ आपको लाइव सुनाई देगी। मैंने शुरू में ही बता दिया है और ये लाइव आखिरी प्रोग्राम है मेरा। तुम चली जाओगी, रानाइयां रह जाएंगी। इन सारी बातों में कितनी बातें हैं ना जो दिल में आ जाती हैं। कहते हैं ख्वाहिश थी मेरी, कितना अच्छा होता कि मैं कुछ ऐसा पढ़ती या जादू जानती, लोगों को चेहरे पढ़ पाती, दिल के अंदर उनके क्या है ये जान पाती, नजरें पहचान पाती, उनकी इरादों का पता लगा लेती। पर अब जाना, किसी को जान लेना बहुत बड़ा अजाब होता है। चेहरे पढ़ पाती तो दोस्तियां टूट जाती, नजरें पहचान पाती तो न जाने कितनों से नफरत हो जाती, और कौन कौन सी बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं ये तो बस ईश्वर का हौसला है, जो वो सब जानते हैं और खामोश रहते हैं। यही आशीर्वाद उन्होंने इस कहानी के इस पात्र को भी दिया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पर शायर तो हूँ ना। किरदार ने कैसे अपने आप को पूरी कहानी से अलग रखकर किनारे पे खड़ा होकर के सारे पात्र को देखता रहा और उसने दूसरे पात्र के दिल को समझने की कोशिश ही नहीं की, और शायद समझा भी तो उसकी बेबसी। लेकिन दोनों के दिल में एक बात तो चल ही रही थी, वो क्या थी? यही थी सबकी है कि दिल में दर्द लिए बगैर हंसते मुस्कुराते यहाँ से गुजर जाएं। यही हर कोई चाहता है, कहानीकार भी यही चाहता है कि उसके पात्र जो है ना, उसके चेहरे पे उदासी ना आए। और जो पाठक होते हैं
उनका भी दिल दुखता है कि हमारे मनपसंद किरदार के ऊपर इतनी तकलीफें, इतना बोझ और इतना दर्द कैसे हो सकता है। और ऐसे ही हमारे सुनने वाले जो साथी हैं, उनके दिल में भी चल रही है बातें कि इतना दर्द क्यों। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग अपने शब्द कभी कभी आपकी जुबान से निकलवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस पात्र से जो उनके दिल में चल रहा होता है। खैर, फिलहाल तो मेरे दिल में ये चल रही है बात कि आप सबने जो इतने प्यार से आपने पैगाम यहाँ तक भेजा है लिख के, कम से कम आपका नाम तो हम जाते जाते बता ही जाएं। डॉक्टर मैनी कैलाश जी हैं, कह रहे हैं कि उदास मत कीजिए बबुनी। जब कोई यहाँ बबुनी लिख करके भेजता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, साथ में एक दूसरे किरदार को भी जोड़ देता है। पंजाब का मुंडा तो बिहार के बबुनी। बहुत बहुत शुक्रिया मैनी कैलाश जी। वेद प्रकाश भारद्वाज जी ने भी लिखा है, बीच बीच में अब कहाँ छुप जाती हैं भारद्वाज जी, छुपते नहीं हैं, अब हम जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके, पर अभी तो रहेंगे थोड़ी देर। अर्चना शर्मा जी, वलीउल्लाह अंसारी, साधना गोयल जी हैं, सतीश धर जी हैं, और मुकेश कुमार शर्मा जी हैं, भारत भूषण जी हैं, इन्होंने भी दिल की बात लिखी है, और दीपक राठी जी भी हैं। आप सब के पैगाम आ रहे हैं। आज तो स्क्रीन को मैं स्क्रॉल करती चली जा रही हूँ, पर स्क्रीन से पे जो आपके दिल की बातें हैं ना, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या कहें, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और हम तो समझे थे कि भूल गए हैं उनको, फिर आज किस बात पे रोना आया। और कौन रोता है किसी और की खातिर, और कौन रोता है किसी और की खातिर, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है, कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे, वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। ये तय है कि हम दोनों मिलना नहीं छोड़ेंगे, जो रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे। मर जाएंगे। समंदर को क्या गम है बता नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता, तू छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये उस शख्स की, उस कहानी के, उस किरदार की, जो अहम किरदार के दो हिस्से थे, उसके एक पात्र की कही हुई दिल की बात जो लेखक ने लिख दी उस कहानी में। और लिखने वाला कौन, ऊपर वाला, हम, आप जैसे कोई किरदार या कहानीकार जो अपने पुराने कलम में
नई रोशनाई भर के नई इबारत कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इंसान इस दुनिया से, इस जिंदगी से, एक दूसरे की जिंदगी से जुदा हो जाते हैं, तो बस कहानी के जो दूसरे पात्र होते हैं ना, जो साथ साथ चल रहे होते हैं, कभी तालियां भी बजाते हैं, कभी नाराज भी होते हैं, और कभी कभी उन किरदारों पे उंगली उठाते हैं, वो बाद में यही कहते हैं कि बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियान वो शख्स, उस एक शख्स में भी ना जाने कितनी खूबियां थी। हजारों लोग मिलेंगे पर कहां वो शख्स, उदास करके चल दिया, कहां है वो शख्स, वो जिसके नक्शे कदम से चराग जलते थे, चले चराग तो खुद बन गया धुआं वो शख्स, करीब था तो कहां हमने संग दिल है तू शख्स। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे, हम कहां होंगे। कभी दर से मुलाकात न होगी, अब तुमसे कभी दर से मुलाकात न होगी, पर दिल से बुला लेती तुम्हें बात न होगी, अब तुमसे कभी दर से मुलाकात न हो, पर दिल से बुला लेगी तुम्हें बात न हो। कहानी यहाँ पे विराम लेगी, जैसे 11 बजेंगे। कहानी आपने एक घंटे में सुन ली, उस जिंदगानी का क्या जिसने इतनी लंबी उम्र, पूरी जिंदगानी आपको भेंट कर दी। खैर, पात्रों की यही बातता है कि कहानीकार जहां तक उस कहानी को ले जाना चाहता है ले जाता है, और जहां उस कहानी को खत्म करना चाहता है खत्म कर देता है। और आज ये कहानी इस स्टूडियो से शुरू हुई थी, इस स्टूडियो में खत्म होती है। यही वो जगह है जहां हम मिले थे और कितने वादे किए थे, कितने इरादे लिए थे। ऐसा लगता था कि ये वाला लम्हा आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में, है ना? ऐसा ही सोचा था ना आप सबने भी कि कहानी के पात्र कभी बिछड़ेंगे ही नहीं। पर लीजिए, बिछड़ने का वक्त भी आ गया। क्या कहें, दिल हुम हुम करे ओ मोरी चंद्रमा, जिस मन को लागे नैना वो किसको दिखाऊं मैं, ओ मोरी चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। प्रणाम, करिए स्वीकार अपने साथी सरिता का सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बुलाने की तुम्हें बात
मुझे मिल के नगर लौट के जाओ, क्या ऐसी कोई शाम कोई रात न होगी अब तुमसे।